हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्काडा सिस्टम के बारे में। बेसिकली दोस्तों, स्काडा सिस्टम होता क्या है और हमारा स्काडा सिस्टम किस तरह से प्रोसेस को कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है, जो कि जानना दोस्तों आपको बहुत ही जरूरी है कि स्काडा हमारा किस तरह से काम करता है, ये सब के बारे में आज के वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले के पहले वीडियो में दोस्तों, मैंने आपको पीएलसी और स्काडा सिस्टम का जो बेसिक और इम्पोर्टेंट जो डिफरेंसेस है उसके बारे में मैंने डिस्कस कर रखा था, जो भी था डिटेल में कर रखा था। आई होप आप उसको उस वीडियो से आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत हद तक क्लियर हो रखा हो दोस्तों। जो भी डाउट उसके रिमेनिंग बचा है सो आज के वीडियो में उसको भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम एक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस स्लाइड की हेल्प से हम स्काडा सिस्टम के रिगार्डिंग समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि स्काडा सिस्टम जो है, स्काडा का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, वो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे भी लिख रखा है। तो सबसे जो पहला इसका जो स्काडा सिस्टम है वो हमारा क्या है, किसी भी पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, देन डाटा एक्विजिशन करता है, जिसको हम समझेंगे आगे चल के एक करके। ये हमारा जो बेसिकली दोस्तों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक सेटअप बोल सकते हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो पैरामीटर्स है उसको हम कंट्रोल करने के लिए। ये हमारा जो कंट्रोलिंग होता है दोस्तों, दो तरह का, जैसे होता है क्या, एक रिमोट वे में करते हैं और एक हमारा जो करते हैं, जो कि पहला पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे है, एक रिमोट लोकेशंस के तौर पे करते हैं, एक लोकली करते हैं। रिमोट और लोकली के कहने का मतलब है दोस्तों कि जो लोकली होगा वो क्या होगा, एट ए टाइम, जैसे सपोज कोई एक मोटर है उसमें क्या है, स्काडा सिस्टम ऑलरेडी इनबिल्ट आते हैं, वहां पे जाकर जो भी होगा हम पैरामीटर्स को चेंजेस करना वहां पे हम फिजिकली जाकर कर सकते हैं दोस्तों। और एक होता है रिमोट लोकेशंस के लिए, मतलब जैसे आपका प्लांट आपके जो कंट्रोल रूम है वहां से लगभग 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर ऐसे ऐसे डिस्टेंस पे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या है कंट्रोल रूम से कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं रिमोट लोकेशन से कंट्रोलिंग करना। नेक्स्ट है जो स्काडा सिस्टम है, वो बेसिकली क्या है कि जो भी प्रोसेस पैरामीटर्स है उसको क्या है गैदर करता है, जिसके बाद क्या है उस जो प्रोसेस पैरामीटर्स उसको मॉनिटर करता है कि बेसिकली जो प्रोसेस में अभी पैरामीटर्स है हमारा क्या चल रहा है, और जितने सारे भी प्रोसेस पैरामीटर्स को जो मॉनिटर करता है ये सब के सब दोस्तों जो होता है रियल टाइम डाटा होता है। रियल टाइम कहने का मतलब है कि जो हमारा प्रोसेस फील्ड में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जो भी भाग से, जो भी हमारा प्रोसेस पैरामीटर्स अभी फील्ड में जो दिखा रहा है वही वैल्यू आपको एग्जैक्ट कंट्रोल रूम में भी दिखाएगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रियल डाटा टाइम। नेक्स्ट अगर बात करें जो थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है दोस्तों स्काडा सिस्टम वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आपको फील्ड डिवाइस से। फील्ड डिवाइस में जैसे क्या हो सकता है कि आपका मोटर हो सकता है, पंप हो सकता है, कंट्रोल वाल्व हो सकता है, प्रेशर ट्रांसमीटर हो सकता है, फ्लो ट्रांसमीटर हो सकता है, ये सबसे क्या है डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है पीएलसी के थ्रू। और जो भी डाटा इसका जो हमारा प्रोसेस पैरामीटर्स जो भी होते हैं फील्ड में जो चल रहा है उसको क्या है हमारा स्काडा रिकॉर्ड भी करता है दोस्तों। फर्दर आप इसे ट्रेंड वे में भी देख सकते हैं, जो भी डाटा है इसको स्टोर किया जाता है। तो ये सब जो दोस्तों हमारा स्काडा का जो फीचर्स है जिससे हम के हेल्प से प्रोसेस को ही हमारा कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं जो स्काडा है बेसिकली इसलिए इसको डिजाइन किया गया है सो दैट जो भी हमारा प्रोसेस पैरामीटर्स जो प्लांट का है उसको क्या है एक हम सिंगल स्क्रीन पे लेकर रख दे और वहां से हम प्रोसेस को मॉनिटर करें, कंट्रोल करें, जिसको मैं आगे चल के बहुत सारे जो स्लाइड है मैं दिखाऊंगा अभी कि स्काडा का व्यू जो है उससे मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ये हो गया स्काडा सिस्टम, इसको और भी हम डिटेल में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्काडा का मतलब ही दोस्तों मैंने बताया सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी का मतलब होता है जो कि आप पहला पॉइंट देख सकते हैं कि जो स्काडा कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझता हूँ दोस्तों, समझाता हूँ आपको। जो स्काडा है सुपरवाइजरी के अंतर्गत जब देखेंगे तो जो स्काडा कॉन्सेप्ट है सबसे पहले जो आपको डेवलप हुआ था वो हमारा रिमोट मॉनिटरिंग के लिए, जो कंट्रोल सिस्टम है उसको आपको रिमोटली कंट्रोल करने के लिए किया गया था। और इसका जो मेन फंक्शन, जो सबसे प्राइमरी फंक्शन है स्काडा का दोस्तों, वो क्या है हमारा मॉनिटरिंग। सुपरवाइजरी के अंतर्गत ही आता है दोस्तों मॉनिटरिंग, मतलब कोई भी जो प्रोसेस पैरामीटर है उसको आपको क्या काम है मॉनिटर करना जो प्रोसेस में आपको चल रहा है। तो ये हो गया दोस्तों सुपरवाइजरी टर्म का ये मतलब होता है कि टू मॉनिटर द प्रोसेस पैरामीटर्स। ये हो गया कंट्रोल सिस्टम को नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों। कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन होता है स्काडा का कंट्रोलिंग, मतलब क्या है कि आप जो भी प्रोसेस पैरामीटर्स चल रहे हैं फील्ड में उसको आपने पहले मॉनिटर करा, उसके बाद क्या है कंट्रोलिंग करा। कंट्रोलिंग इन द सेंस कि जो भी प्रोसेस पैरामीटर्स हो सकता है कि उसमें आपको चेंजेस करना है, तो क्या है कि आप उसे कंट्रोल रूम से कमांड देंगे और वहां से कंट्रोल करेंगे सो दैट आपका जो भी प्रोसेस वेरिएबल्स है उसमें हमारा चेंजेस आए, इसलिए हम इसे बोलते हैं दोस्तों कंट्रोलिंग। जो कंट्रोल जो है वो भी हमारा क्या है प्रोसेस वेरिएबल है, जो आपको फील्ड में रिक्वायरमेंट के तौर पे आप कंट्रोलिंग यहां से करते हैं। नेक्स्ट आता है जो टर्म है हमारा लास्ट, डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया जो भी प्रोसेस पैरामीटर्स है वो हमारा गैदर होता है रियल टाइम डाटा, मतलब जो हमारा फील्ड में भी चल रहा है वही हमारा आपको स्काडा में भी दिखाएगा, और जो भी है हमारा सब रिकॉर्डेड होते हैं।
मतलब ये जो भी डाटा है सबको एक पर्टिकुलर फाइल में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, इसका ट्रेंड वे में रिकॉर्ड किया जाता है, सो दैट जितने भी फ्लक्चुएशन हम आपका प्रोसेस पैरामीटर्स में आएगा वो सब के सब आपको एक प्रॉपर ट्रेंड में दिखेगा, और सो दैट आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे दोस्तों कि क्या हमारा प्रॉब्लम है फील्ड में, जिससे आप आगे चल कर ट्रबल शूट करेंगे। तो ये सब जो दोस्तों है हमारा मेजर पॉइंट्स है जो स्काडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम कुछ इसके जो स्काडा व्यू है उससे समझते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें स्काडा व्यू में क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्काडा है वो हमारा क्या है, फील्ड डिवाइसेस है, जो भी फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है पीएलसी के थ्रू। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंट्रोल वाल्व्स है, प्रेशर ट्रांसमीटर है, और आपका वाल्व्स है, सेंसर्स है। तो ये जो है आपका पीएलसी के थ्रू क्या है, डायरेक्टली स्काडा से आपका कम्युनिकेट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा स्काडा है एचएमआई, और ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम में क्या हो सकता है दोस्तों, पीएलसी हो सकता है, डीसीएस हो सकता है, आरटीयू हो सकता है। पीएलसी मतलब प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, एंड आरटीयू मतलब रिमोट टर्मिनल यूनिट, जो हमारा रिमोट लोकेशन के लिए यूज करते हैं। और ये हो गया हमारा जो फील्ड में डिवाइसेज है, सेंसर्स है उसका। तो उसका जो भी कम्युनिकेशन हमारा स्काडा करता है वो पीएलसी के थ्रू करता है। तो कैसे करता है, जो भी ये हमारा फील्ड डिवाइसेज है उसका क्या है, हमारा कम्युनिकेशन जो होता है प्रॉपरली पीएलसी में होता है, जो कि पीएलसी आपको दिखाता नहीं है कि हमारा क्या पैरामीटर सभी फील्ड में चल रहा है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, एक स्काडा सिस्टम बनाया गया है कि जो भी प्रोसेस पैरामीटर है उसको हम एक सिंगल स्क्रीन पे, अभी जो भी सेंसर्स है, जो भी वैल्यू आपको फ्लो है, जो भी पैरामीटर्स है फ्लो फील्ड में दिखा रहा है, उसको हम डायरेक्टली एक स्क्रीन पे, सिंगल स्क्रीन पे डालकर आपको दिखा विजुअलाइज करा, मतलब सो दैट आप जो भी प्रोसेस पैरामीटर्स को प्रॉपरली कंट्रोल कर सके दोस्तों। तो ये हमारा किसके थ्रू होता है, स्काडा के थ्रू। तो कैसे होता है दोस्तों, जो भी ये सेंसर्स है इसके क्या है, जो भी इनपुट्स आउटपुट्स होंगे उसको हमारा पीएलसी का जो है उसको स्काडा सिस्टम से मैपिंग किया जाता है, सो दैट जो भी प्रोसेस पैरामीटर्स हमारा जो है फील्ड में एट प्रेजेंट वो हमारा स्काडा सिस्टम में दिखाएं, और फर्दर फिर हम लोग कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, ये हमारा देख सकते हैं एक स्लाइड है जो आपका टर्बाइन सेक्शंस का दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा टर्बाइन सेक्शंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर बॉक्स है, ये हमारा जनरेटर सेक्शंस है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा स्टीम बेस्ड होता है जैसे टर्बाइन, तो यहाँ पे क्या है कि आपको स्टीम प्रेशर दिखेंगे, क्या हमारा अभी एक्सियल वाइब्रेशन है, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है या वर्टिकल वाइब्रेशन है, ये सब के सब पैरामीटर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए बी एक्स टी करके दिखा रहा है, ये सब वाइब्रेशन से पैरामीटर है। तो स्काडा व्यू जो है कंप्लीट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा जब भी आप इंडस्ट्री में आएंगे, सो दैट जो भी हमारा स्काडा सिस्टम वो हमारा कंप्लीट कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा टर्बाइन सेक्शंस का है। यहाँ पे जो भी प्रोसेस वेरिएबल्स है, जो भी पैरामीटर्स अभी फील्ड में चल रहा है वो सब आपको दिखाएगा। जैसे स्पीड हो गया, मतलब तो अभी जो हमारा टर्बाइन है कितने स्पीड पे, कितने आरपीएम पे चल रहा वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे जैसे कितना हमारा पावर जनरेट कर रहा है वो आपको यहाँ पे मेगावाट में दिखाएगा। जो भी पावर एक्सपोर्ट कितने कर रहा है, कितने जो फ्रीक्वेंसी अभी चल रहा है वो दिखाएगा। ये सब आपको पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दिखाएंगे। कंट्रोलिंग के लिए जैसे है तो आप यहाँ से कंट्रोल करना है वो भी कर सकते हैं। तो जैसे क्या है कि सबसे पहले जो भी पैरामीटर्स है उसको आपने क्या कहा, मॉनिटर करा, आपको लग रहा है कि ये जो पैरामीटर्स है ये गलत है, मतलब इसे हमें चेंज करना होगा, तो क्या है आपने उसे फीड करा, फिर डाटा को फीड करा, और फर्दर वो हमारा फील्ड में जाकर इफेक्ट होगा और ये हमारा प्रोसेस को उस तरह से कंट्रोल करेगा। तो ये हमारा एक हो गया दोस्तों, आपको जो दिखा रहा हूँ ये हमारा टर्बाइन सेक्शंस का। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको जीएस सिस्टम का। जैसे हमारा पावर प्लांट के दोस्तों एक एमएसडीएस होता है जहां पर हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे हम स्विच यार्ड भी बोलते हैं। तो वहां पे जो हमारा स्काडा व्यू होता है दोस्तों कुछ इस तरह से होता है। वहां पे क्योंकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत सारा हमारा जो जाता है जो जीआई सब स्टेशन से, तो वहां पे क्या है जो भी अलग अलग लोड है जो भी है वहां पे आपको स्काडा व्यू में दिखेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं लोड जो है मेगावाट में 3.9 दिखा रहा है। ये सब सिस्टम जैसे G1 का है, G2 का है, G3 का, तो ये सब जो ये स्काडा व्यू जो देख रहे हैं ये हमारा बेसिकली पावर स्टेशन MSDS जो बोल सकते हैं, स्विच यार्ड, ये सब जगह यूज किया जाता है। तो ये हो गया स्काडा व्यू। नेक्स्ट एक और समझते हैं, ये हमारा एक और स्काडा सिस्टम है जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा प्रोसेस को कंट्रोलिंग के लिए हम यूज करते हैं इस स्काडा सिस्टम को। आई होप जो स्काडा का है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रखा हुआ। ये जो है दोस्तों आपको बॉयलर सेक्शंस का है, इस तरह से हमारा जो होता है प्रोसेस बॉयलर वहाँ का है जहाँ पे स्टीम को बनाया जाता है दोस्तों, वहाँ का है। तो आई होप जो स्काडा सिस्टम है उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो रखा होगा दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।